नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। 2:45 बजे के आसपास मेरे पास अलर्ट आया कि अमेरिकी बाजार क्रैश हो गया है। ठीक है, वो अलर्ट आप भी लगा सकते हैं, जाइए investing.com पे, वहाँ पे अलर्ट आप भी लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अमेरिकी बाजार में क्रैश कैसे हुआ और नैस्डेक और S&P 500 फुल्ली क्रैश। जैसे कि आपको पता है, इंडियन मार्केट फॉलो करता है अमेरिकी बाजार को, तो आने वाले टाइम में, मतलब आज के दिन में मार्केट में भी गैप अप में खुले और डाउन में खुले। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और बात करते हैं डिटेल में क्यों डाउन गया मार्केट। investing.com पे मैं आ गया हूँ। रात की 3:45 बज रहे हैं। डाउ जोन्स अभी 807 रुपए गिर चुके हैं और NASDAQ 100 में 649 और -5.23% का गिरा, और नैस्डेक में 598 पॉइंट का और 4.96% का। ठीक है, नैस्डेक मतलब आपको पता होगा जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो नैस्डेक में लिस्टेड होती हैं। ठीक है, S&P 500 भी 3% का डाउन शो कर रहा है। S&P 500 विक्स में थोड़ा सा आता है, जिस तरह इंडियन विक्स होता है, इस तरह 500 विक्स होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इस तरह, ये देखिए पूरा जो यूनाइटेड स्टेट का, देखिए पूरा इंडाइसेस है अमेरिकी बाजार का। आप यहाँ पे देखिए पूरा डाउन शो कर, पूरा रेड रेड आ गया। तो कल एक गिरावट अपने इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट अमेरिकी मार्केट को फॉलो करता है। ठीक है, हम CNBC के न्यूज पे आ गए हैं। CNBC क्या कह रहा है, क्यों फॉल आया, किस किस से किस किस कंपनी और किस किस सेक्टर में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला। स्टॉक लगिन विद द डाउ ड्रॉपिंग मोर देन 800 पॉइंट एज अ टेक शेयर स्नैप 10 डेज इन स्ट्रेक। ठीक है, अब कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला। ठीक है, अब जिस तरह मैं बात कर रहा था, एप्पल में 8% की गिरावट देखने को मिला, और फेसबुक में 3.8%, माइक्रोसॉफ्ट में 6.2% और अल्फाबेट में 5.1% में, और S&P 500 टेक सेक्टर क्लोज हुआ 5.83 लोअर लगा के क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये रही बात अमेरिकी बाजार का, ये सिचुएशन अपने इंडियन मार्केट में, जब इंडियन मार्केट ओपन होगा तो उसमें देखने को मिल सकता, मतलब कल जो दबाव होगा इंडियन मार्केट में, टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे कि TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसे सेक्टर में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये न्यूज आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।